शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। बापा प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखने वाले पूर्व उप महापौर भरत नखाते के नेतृत्व में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल वाशी सेक्टर 1 व्यापारी संघ ने इस साल गणेशोत्सव के 39 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और इसी उपलक्ष्य में बापा को आकर्षक और भव्य ऐसे इंद्रप्रस्थ महल में स्थापित कर इस गणेशोत्सव को भक्तों के लिए बेहद खास बनाया है। पहले दिन जहाँ गणेश नाइक और परिवार की उपस्थिति में बापा की प्रतिष्ठापना की गई, वहीं 9वें दिन मंडल द्वारा यहां सत्यनारायण की महापूजा भी रखी गई, जिसमें कई भक्तों ने शिरकत की। एक उत्सव के साथ साथ मंडल ने हाल ही में कोल्हापुर सातारा सांगली के बाढ़ पीड़ितों प्रति उदारता दिखाते हुए मंडल ने गणेशोत्सव के बाद बाढ़ इलाकों के बच्चों में शालेय वस्तुओं का वितरण करने का निर्णय लिया है। यंदा मंडळाचं 39वं वर्ष आहे। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ व्यापारी संघ या नावाने अनेक वर्ष केवळ धार्मिक भावना जोपासणे याच्या पलीकडे सर्व धर्म समभावाची जी भावना आहे या मंडळाने साकारलेली आहे। केवळ गणेशोत्सव साजरा करणे हे मंडळाचं काम नसून 12ही महिने गणेश कृपा मित्र मंडळ या माध्यमातून या ठिकाणी सर्व धर्माचे जे धार्मिक कार्यक्रम आहेत ते आम्ही इथे साजरा केले जातात। त्याचप्रमाणे यंदा संपूर्ण जर महाराष्ट्रामध्ये जर पाहिलं तर जे सातारा सांगली कोल्हापूर इथे जो पूरग्रस्त जी वेळ आलेली आहे आणि तिथल्या लोकांची मनुष्यहानी आणि बऱ्याचशा नुकसान झालेलं आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही यंदा आमच्या मंडळाच्या माध्यमातून विसर्जनानंतर तिथे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वह्या देण्याचा उपक्रम राबवणार आहोत। ते केवळ ह्या मंडळाच्या माध्यमातून जी आलेली जी रक्कम आहे त्या रकमेनुसार तिथे जाऊन आम्ही स्वतः तिथले विद्यार्थ्यांना पाटी पुस्तकं वही पेन पेन्सिल कंपॉस ज्या गोष्टी तिथे गरजेच्या आहेत, उदाहरणार्थ मेडिसिन पण काही अल्प प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क।